बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजब और आप देख रहे हैं अजब स्पोर्ट्स। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में इबरतनाक शिकस्त दे दी और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ए ने नहायत ही शानदार परफॉर्मेंस दी और पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर में 322 रन का पहाड़ जैसा हदफ श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए सेट किया। जवाब में श्रीलंका ए क्रिकेट टीम 45.4 ओवर में ऑल आउट हो गई 262 रन बनाकर, और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम 60 रन से इस मैच को अपने नाम करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग की बात करें तो साइम अयूब ने 22 रन बनाए, इसके अलावा साहिबजादा फरहान ने 12 रन बनाए, उमेर यूसुफ ने नहायत ही शानदार परफॉर्मेंस दी 88 रन बनाए, तैयब ताहिर ने 26 रन बनाए, कासिम अकरम 8 रन बनाने में कामयाब हुए, मोहम्मद हारिस विकेटकीपर एंड कैप्टन ने 43 बालों पर 52 रन की शानदार इनिंग खेली, मुबशर खान 42 रन बनाने में कामयाब हुए, अमाद भट्ट ने 7 रन बनाए, मोहम्मद वसीम जूनियर 24 रन बनाने में कामयाब हुए, सुफियान मुकीम ने 6 रन बनाए और अरशद इकबाल 10 रन बनाने में कामयाब हुए। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की बॉलिंग की बात की जाए, इमाद भट्ट 1 विकेट लेने में कामयाब हुए, अरशद इकबाल ने नहायत ही शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए, मोहम्मद वसीम जूनियर कोई विकेट ना ले सके, मुबशर खान 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए, सुफियान मुकीम 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए और इसके साथ साथ कासिम अकरम कोई विकेट ना ले सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।